मोहिनी किचन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके बच्चों के लिए एकदम एक टेस्टी सा लंच बॉक्स रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में यह बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनता है। तो इसके लिए मैंने ले लिया था 2 उबले आलू। अब इसमें हम डाल देंगे आधा गाजर कद्दूकस किया हुआ, और मैं इसमें डाल दे रही हूँ चॉप किया हुआ कैप्सिकम और चॉप किया हुआ बीन्स, और आप इसमें जो भी सब्जी मिक्स करना चाहे डाल सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है, तो इसे आप सुबह में जल्दी से बनाकर बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें डाल ले रही हूँ करीबन ओरिगानो और आधा चम्मच के करीबन पिज़्ज़ा मिक्स। आप चाहे तो इसमें कोई भी अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हो, या फिर अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी आप डाल सकते हो, लेकिन सब्ज़ी जो भी डाले उसे आप पहले से थोड़ा बॉयल कर लें, इससे सब्ज़ी में बिल्कुल कच्चा भाव ना। और ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ इसमें नमक स्वाद अनुसार। ये बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आपके बच्चे बिल्कुल टिफ़िन पूरा फिनिश करके आएंगे। अगर आपको यह कंप्लेंट रहता है कि आपके बच्चे पूरा टिफ़िन नहीं खाते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाकर एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह की बनी है। देखिए मैं सारे सब्जियों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। तो मैंने पहले हाथ को धोकर क्लीन कर लिया था, और हाथों की सहायता से ही मैं इस सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। सब्जियों को स्टफ करना है, तो देखिए मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। और इसके लिए मैं ले लूँगी ब्रेड, तो मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया। आप चाहे तो नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होता है, इसीलिए मैंने इसमें ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। ब्रेड के स्लाइसेस में एक तरफ टोमेटो सॉस और एक तरफ हरी चटनी, तो इसे मैंने एक चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगा है, वरना ये बहुत खट्टी लगेगी। इसे आप बिल्कुल, आप चाहे तो कोई और भी चटनी लगा सकते हैं या कोई और भी सॉस लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी चटनी और सॉस के साथ बना रही हूँ। आप एक बार जरूर से बनाकर ट्राई। स्टफिंग बनाकर पहले तैयार करके रखी थी, उसे बिल्कुल अच्छी तरह से लगा लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से फैला कर लगा लेंगे। सब्जियों से भरा हुआ यह सैंडविच इतना बेहतरीन लगता है कि बच्चे इसे फटाफट खा कर फिनिश कर देते हैं, और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसमें ये चटनी वाला ब्रेड को लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से दाब लेंगे, जिससे कि ये खुले नहीं। और अब हम इसे बटर में सेक लेंगे, तो बटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। पलट पलट कर बिल्कुल क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेकें। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि सब्जियां सारी उबली हुई हैं और ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बटर में सेक रही हूँ, और बटर तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता ही है। कितना बेहतरीन कलर आया है इस सैंडविच का, और बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल कर एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख लेंगे, फिर स्लाइसेस को कट कर लेंगे। तो देखिए मैं इसे 2 टुकड़ों में कट कर रही हूँ, आप अपने टिफ़िन के हिसाब से कट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन बच्चों से स्कूल में ये खाते नहीं बनता। मैं एक ब्रेड के स्लाइस 4 टुकड़े कर रही हूँ, जिससे बच्चों को ये खाने में ईजी हो। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप इसे 2 टुकड़े में भी दे सकते हैं, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप इसे 4 टुकड़ों में काट दें, जिससे बच्चों को खाने में काफ़ी आसानी हो और वो इसे झटपट से खाकर ख़त्म कर सकें। फ्रेंड्स, ये टेस्टी सा सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं। और आज की रेसिपी यहीं पर ख़त्म होती है, मिलती है दूसरी रेसिपी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक।